ये रिश्ता क्या कहलाता है में फैंस के लिए बैक टू बैक कई ट्विस्ट आने वाले हैं। वेल, जिस तरह से शो के आने वाले एपिसोड को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि फैंस के लिए महाड्रामा क्रिएट करने की तैयारी मेकर्स ने फाइनली कर दी है। फिलहाल शो के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि कार्तिक जहां कीर्ति को सच बताने की हिम्मत जुटाता है, तो वहीं नक्श को भी एक अनजान कॉल आता है। ऐसे में आगे आप ये देखेंगे कि हॉस्पिटल पहुंचकर नक्श को सारा सच पता चल जाएगा कि क्रिश उसका और कीर्ति का बेटा है, न कि नायरा और कार्तिक का। फिर क्या, इसके बाद हम देखेंगे कि कार्तिक का पूरा सच घर वालों के सामने आएगा। सभी एक बात जान जाएंगे कि बच्चे को लेकर हुआ ये सारा कंफ्यूजन कार्तिक ने ही रचा था। ऐसे में जहां सच के सामने आने के बाद सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, तो वहीं क्रिश की असली मां को लेकर नायरा और कीर्ति आमने सामने होंगी। तो अब क्या होगा शो में, इस सच का क्या असर पड़ेगा नायरा और कीर्ति के रिश्ते पर, आइए इस ट्विस्ट के बारे में जानते हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक खुलासा पहले ही हो चुका है कि अपने बेटे को वापस पाने के लिए कीर्ति नायरा से भिड़ जाएगी, लेकिन तभी नायरा की मेमोरी लॉस वाला ट्विस्ट शो की कहानी को नया टर्न देगा। दरअसल नायरा को जब ये पता चलेगा कि क्रिश उसका बेटा नहीं है, तो वो बुरी तरह से टूट जाएगी और फिर ऐसे में नायरा कीर्ति को क्रिश को लौटाने से इनकार कर देगी। इसके बाद आप देखेंगे कि शॉक की वजह से नायरा बेहोश हो जाएगी और फिर चली जाएगी उसकी याददाश्त। ऐसे में सिंघानिया और गोइंका दोनों ही परिवार बहुत परेशान हो जाएंगे कि आखिर वो कैसे इस मुसीबत से निकले। उधर मेमोरी लॉस की वजह से नायरा कार्तिक को भूल जाएगी, लेकिन उसे सिर्फ क्रिश के बारे में ही सब कुछ याद होगा। अब शो में यही ट्विस्ट बहुत बड़ा ड्रामा लेकर आएगा। जी हाँ, दरअसल आप ये देखेंगे कि नायरा की हालत को देखते हुए कीर्ति बहुत बड़ा कदम उठाएगी। वो क्रिश को नायरा को ही सौंप देगी और फिर दोनों मिलकर क्रिश की देखभाल करेंगी। ऐसे में क्रिश को दो दो माओं का प्यार तो मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि कीर्ति का ये सैक्रिफाइस कार्तिक नायरा के रिश्ते को कौन सा नया मोड़ देगा। अब क्रिश की असली माँ को लेकर शुरू हुआ ये ड्रामा शो को कौन सी दिशा की तरफ लेकर जाएगा, देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा।